नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज के नैनी से। माँ गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने मनाया फ्रेशर डे। जी आपको बता दें, नैनी माँ गायत्री कॉलेज के ऑफ फार्मेसी ने अपने प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए फ्रेशर समारोह का आयोजन किया। इसके साथ ही इस मौके पर द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष के साथियों के लिए स्वागत समारोह हुआ। इस आयोजन में कॉलेज के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने जमकर धमाल किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन व छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके उपरांत छात्र छात्राओं ने गीत संगीत के अनेक कार्यक्रम के साथ तमाम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर छात्राओं के आत्मविश्वास को निखारने के लिए फैशन शो का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के डायरेक्टर अनिल श्रीवास्तव, फाइनेंशियल कंट्रोलर प्रीति श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव, एचओडी प्रशांत गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज अखिल टंडन, ज्ञानेन्द्र सिंह, शुभम कुशवाहा, सत्यनारायण मिश्रा समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से मिथिलेश त्रिपाठी के साथ सुमित द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। आज आज एवं प्रसन्न तारीख का आयोजन किया गया। जो है आज प्रथम वर्ष छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ष में आए हुए छात्रों का उत्साह बढ़ाने हेतु एक पार्टी उनको दी जाती है। और इसके बारे में आइए हम जानते हैं यहाँ पे मौजूद स्टाफ एवं एचओडी से। आयोजन किया गया था आगाज एवं फ्रेशर पार्टी का, ये किस संदर्भ में किया गया था? ये जो फ्रेशर पार्टी हुई है वो हर कॉलेज में होता है और ये ज़रूरी भी है कि जैसे बच्चों का सेशन चल रहा है सितंबर से, तो एटलीस्ट दो तीन मंथ महीना हो गया कि उनको पढ़ाई करते हुए, तो एक माइंड का फ्रेशनेस तो जरूरी है ही। प्लस इसमें क्या है कि सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से इंट्रैक्ट हों और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी सेकेंड ईयर से इंट्रैक्ट हों, वो उनको डिसिप्लिन सिखाएं, कुछ एटिकेट सिखाएं, ताकि वो अपने स्टाफ की, फैकल्टीज़ की और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो वो सारी जानकारियाँ जो सीनियर है वो जूनियर को दे, तो उसके लिए इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई इंट्रैक्ट ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा उसके कितने जूनियर्स हैं, कौन कौन से जूनियर्स हैं, तो इसीलिए फ्रेशर पार्टी आयोजित की जाती है। यहाँ पर जैसे कि अभी एचओडी सर ने बताया हमको, कॉलेज के माँ गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के एचओडी सर ने हमको बताया, प्रशांत सर ने, कि फ्रेशर पार्टी का आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि फर्स्ट ईयर एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को मतलब आपस में जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विद्यालय की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मिस प्रीति मैम। आइए जानते हैं प्रीति मैम, मैम आप क्या कहना चाहते हैं फ्रेशर डे पर? मैं छोड़ी हर कॉलेज में फ्रेशर जरूरी होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर एक दूसरे को समझ सके। सेकेंड ईयर से बहुत कुछ जानने को मिलता है और कॉलेज के माहौल कैसे रहना है, डिसिप्लिन वगैरह सब एक दूसरे को समझते हैं। धन्यवाद। बीच हमारे साथ मौजूद हैं माँ गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर श्री अखिल सर। आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है फ्रेशर डे के बारे में। ये हर वर्ष की बात ही, इस बार भी सफल आयोजन यहाँ पे किया गया है और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ये कि फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में आपस में एक तरह का तालमेल रहे और जो एजुकेशनल माहौल है उससे इस दोनों फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है और इस बार भी बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही होगा और भी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे।